हर चीज़ पे फोकस करना पड़ता है क्योंकि हम किसी भी जगह कमज़ोर होंगे तो सामने वाला पहलवान उसी का फ़ायदा उठाता है, अगला पहलवान कमज़ोर है तो हम भी उसी का फ़ायदा उठाते हैं, तो हम किसी जगह कमज़ोर होंगे तो उसी का फ़ायदा उठाएगा। तीन से चार तो कुश्ती में, कम से कम तीन से चार तो कुश्ती में होंगे और गेम में भी हैं, कुश्ती में तीन से चार। तो ज़्यादा मैं थोड़ा लेग डिफेंस का ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मैं लेग थोड़ी प्रॉब्लम रहती है मेरे को रेसलिंग में, तो इसलिए मैं लेग डिफेंस की ज़्यादा करता हूँ। देखिए जब कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी बैठते हैं तो सभी बोलते हैं कि भाई आपसे बहुत उम्मीद है देशवासियों को और आप गोल्ड जीत सकते हैं, तो मतलब फीलिंग आती है कि भाई हाँ मैं उस लायक हूँ जो देशवासी मुझसे उम्मीद करते हैं और इतनी उम्मीद कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करूँगा और जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ मैं अपना 100% देने की पूरी कोशिश करूँगा और देशवासियों की उम्मीदों को पूरा करूँगा। हर टूर्नामेंट टफ होता है एशियन गेम्स में कॉमनवेल्थ को देख के, और जैसे पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में योगी भाई ने गोल्ड जीता था, 28 साल बाद जीता था, तो मैं चाहूँगा कि भाई अब की बार भी दोबारा गोल्ड जीते और उसको सिलसिले को जारी रखेगी। एशियन गेम्स के बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप है अक्टूबर में है हंगरी में, तो उसकी तैयारी है, उसके बाद पहले एशियन गेम्स का टारगेट, उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फोकस है, और मेन टारगेट रियो ओलंपिक का है, टोक्यो ओलंपिक का है, और उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि भाई मैं 2019 में पहले टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ही क्वालिफाई करूं और ओलंपिक में जो मेरा सपना है मेडल जीतने का, जो देशवासी मुझसे उम्मीद करते हैं, मैं उसको पूरा करूँ।